आप भी अगर होली के लिए गुजिया बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप अपने फेवरेट सीरियल को देखते हुए इन गुजियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के झटपट बन भी जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ना इसको फ्राई करने की ज़रूरत, ना ही फटने की टेंशन। तो आप इस होली इन गुजिया को जरूर ट्राई करें। गुंजिया बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप कोकोनट लिया है। ये मैंने घर पे ही बनाया है, इसलिए थोड़ा मोटा भी है। आज हम आधा कप से बनाएंगे, पर ये मैंने 1 कप लिया है क्योंकि बाद में हम फिलिंग में भी इसको यूज़ करेंगे। तो एक साथ हम इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। इसी के साथ हम अपनी चीनी भी इसी में डाल देते हैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो मीठे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच इसलिए डालूँ क्योंकि मैं इसमें मिल्क पाउडर भी डालूँगी, तो उस हिसाब से ये 2 चम्मच चीनी काफ़ी रहेगी। तो अब हम इसको पहले बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने अपने नारियल को देखो बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब हम इसमें से आधा कोकोनट निकाल देते हैं। यहाँ हम आधा कप अलग कर देते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ अब आधा कप नारियल बचा है। तो अब आधे कप नारियल से ही अपने गुंजियाओं को बनाएंगे। तो इसमें अब डाल देते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर और फिर से एक बार ही इसको मिक्सी में चला लेंगे जिससे कि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। यहाँ मैंने सारे बैटर को निकाल लिया है। अब इसको रखते हैं साइड में, पहले हम इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा बाउल और इसमें डालते हैं 2 चम्मच कोकोनट पाउडर जो अभी हमने पीस के रखा है, और साथ में डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। यहाँ मैंने काजू को थोड़ा पतला पतला काट रखा है, तो 1 चम्मच करीब हम काजू को डाल देंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच ही हम पिस्ता डाल देंगे और 1 चम्मच ही किशमिश को डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ी सी इसमें हम डाल रहे हैं चीनी, आधा चम्मच के करीब, क्योंकि कोकोनट में भी चीनी थी। तो यहाँ मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इसमें इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं। तो इलायची को भी हम मिला देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध की मलाई। अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो तो आप मेरी तरह से आधा दूध और आधी मलाई को डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे कुछ ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस थोड़ा सा गीला हो जाए इतना ही हमें दूध डालना है इसमें। तो अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी तो हम दूध को डाल देंगे। बस ये हमारा डो तैयार हो गया, 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच दूध में। ये देखिए ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो अब इसको रखते हैं साइड में। अब हमने जो पाउडर बना के रखा है मिल्क पाउडर नारियल का, तो अब उसको लेते हैं और इसका एक डो बना लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। ना ज़्यादा ढीला होगा ना ही ज़्यादा सख्त। तो यहाँ मैं पहले 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। पहले हमें 2 चम्मच दूध को ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर बाद में ही दूध डालना है, नहीं तो ये हमारा जो डो है ढीला हो जाएगा। तो फिर से हम 2 चम्मच दूध डाल देते हैं क्योंकि अभी हमारा ये बैटर सूखा सूखा है। मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ही दूध डाल रही हूँ, आप भी इसी तरह से दूध को डालना। तो फिर से हम 2 चम्मच दूध को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया। इसमें मैंने 6 चम्मच दूध डाला है। ये ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा
सॉफ्ट है। ये देखिए नारियल ने अपना तेल भी छोड़ दिया, तो इसमें हमें घी की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये डो तैयार हो गया है। तब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, जितनी बड़ी हमें गुंजिया बनानी है। तो उसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे पहले। यहाँ हमने चार लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब यहाँ लेंगे हम एक पॉलोथीन, जिसको अच्छे से पहले साफ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने एक लोई को रख देंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे। इसमें बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से फैल जाएगी। या आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं, बिल्कुल पतली पतली हमें इसको बेलना है। ये देखिए हमने बेल कर तैयार कर लिए। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हम गुंजिया बनाने का स्टैंड लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी को लगा लेंगे। पहले थोड़ा सा लगा लेंगे जिससे कि चिपके ना, बाद में इसमें ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे तो इसको हाथों से भी बना सकते हैं। तो अब हम अपनी जो पूरी बनाई है उसको अपने स्टैंड में रख देंगे, गुंजिया वाले में। अब इसमें भर देंगे अपनी फिलिंग जो हमने बनाकर तैयार की है। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच फिलिंग डाल दी है इसमें। अब हम इसको बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे और फिर से इसको बेलकर हम यूज़ कर लेंगे। इसे हल्का सा प्रेस कर लेते हैं और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं। इनको हम एक प्लेट में रख देते हैं। फिर से एक लोई लेंगे और उसको रखेंगे पन्नी पे, हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर आपके भी किनारे इस तरह फट रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में तो हट ही जाते हैं। ये देखिए ये हमारी दूसरी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको भी अपने गुंजिया के स्टैंड में रखेंगे और फिर से फिलिंग को डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। अब हम इसको बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा को हटा देंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी गुंजिया भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी सभी गुंजिया बनकर तैयार हो गई। आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप नारियल के बुरादे से ये हमारी 6 गुंजिया बनकर तैयार हो गई थी। एक हमारे घर में खा ली गई है, तो बाकी बची हैं ये। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप बाजार का कोकोनट पाउडर लोगे तो आपकी बिल्कुल ये गुंजिया सफ़ेद बनेगी, क्योंकि ये हमारा घर का था इसलिए ये थोड़ी सी काली काली नज़र आ रही है आपको। तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहे तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या मेरी तरह थोड़ा सा फूड कलर लेकर इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फूड कलर चम्मच में ही खोल लिया है। तो इस तरह से हम अपनी गुंजिया को डेकोरेट कर देंगे। देखो कितनी अच्छी लग रही है। या आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं अगर आपके पास हो तो, या मेरी तरह फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी बिना मेहनत की गुंजिया बनकर तैयार हो गई है।